अब हम मोहन भागवत जी को सुन लेते तैयारी और हैं। उसका अभ्यास वो उतना ही करती थी जितना और कभी 13 साल की आयु में गाना शुरू किया तब करती होगी। लेकिन सभी क्षेत्रों में उनकी ये तपस्या है, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कौटुंबिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में और अपनी आजीविका के यानी व्यावसायिक जीवन में, सर्वत्र उनका व्यवहार यानी शुचिता और तपस्या का, साधना का आदर्श उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण सबके लिए था। ऐसी सर्वार्थ से यशस्वी और सार्थक जीवन का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली लता दीदी चली गई। हमको उसके दुख को सहन करने का धैर्य तथा मंगेशकर परिवार को भी इस आघात को सहन करने का धैर्य भगवान प्रदान करें। मैं उनकी पवित्र स्मृति में जो स्वरों के रूप में शेष रहेगी लेकिन पार्थिव रूप में हमको अपने स्मृति पर ही निर्भर करना पड़ेगा, उस स्मृति में संघ की ओर से और मेरी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। नहीं, थांबा थांबा जरा। लता जी एक आदर्श उदाहरण है, हर क्षेत्र में लता जी का योगदान रहा है। मोहन भागवत जी ने लता जी के बारे में कुछ अहम बातें बताई कि उनका व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, व्यावसायिक जीवन हो, उनके व्यवहार में शुचिता और एक तपस्या देखने को मिली थी।